वालेकुम, आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। विनब्लास्टीन के बारे में तो आपने सुना होगा, ये सदाबहार से हासिल होती है, कैंसर के लिए बड़ी मुफीद है और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है वो ग्रोथ को रोकती है। तो माइक्रोट्यूब्स की ग्रोथ को रोक कर जो है ये सेल साइकिल को अरेस्ट करती है इन एम फेज, जिसके नतीजे में क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन नहीं होता ड्यूरिंग माइटोसिस एम फेज बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रोडक्शन। तो यानी कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की प्रोडक्शन को रोकती है। तो जहाँ पे जो इस कंसेप्ट की बात आती है, उस कंसेप्ट के साथ साथ ये भी चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, इनके मैकेनिज्म भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।